नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्रूव दैट इन ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि जो हमारा ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उस सिस्टम के अंदर ये जो दो वेक्टर आइडेंटिटी जिसे हम जीरो के बराबर प्रूव करते हैं, ठीक है, या फिर हम यूज करते हैं। देखो हमने जो प्रीवियसली दो लेक्चर जो पढ़े हैं उन दोनों लेक्चर में हमने इस आइडेंटिटी का हमने डायरेक्ट यूज किया है और हमने वहां कहा था कि इस आइडेंटिटी को हम अपने कमिंग लेक्चर्स के अंदर प्रूव करेंगे। तो आज हम इन्हीं दो आइडेंटिटी को एग्जैक्टली प्रूव करेंगे। देखो इस आइडेंटिटी को प्रूव करने से देखो पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि देखो यहाँ पर क्या है, डेल ऑपरेटर है उसको कर्वी लीनियर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे हम एग्जैक्टली कई बार यूज भी कर चुके हैं और कई बार हम लिख भी चुके हैं। सेकेंड देखो आपका क्या है, आपका ए है, आपका ए एग्जैक्टली क्या है, आपका ये एग्जैक्टली वेक्टर है, ठीक है, या वेक्टर फील्ड कह सकते हो, उसको एग्जैक्टली इस प्रकार रिप्रेजेंट किया गया। A1, A2, A3 क्या है, इसके एग्जैक्टली कंपोनेंट है और आपका ये क्या है, आपके यूनिट वेक्टर है, तीनों कर्व की डायरेक्शन में है। और एग्जैक्टली देखो लास्ट आपका फाई है, फाई आपका एक स्केलर फील्ड है, ठीक है, जो यहाँ पर इसका यूज एग्जैक्टली हम इसे जो है वो डेल ऑपरेटर के साथ करेंगे और फाइनली हम गेट करेंगे कि ये चीज जीरो के बराबर होता है या नहीं होता है। तो देखो एग्जैक्टली फर्स्ट देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मान लिया मेरे पास कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट है, उसको हम एग्जैक्टली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस प्रकार लिखते हैं, आई कैप x1, j कैप x2 और k कैप x3। आई j k क्या है, एग्जैक्टली आपके एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में एग्जैक्टली आपके यूनिट वेक्टर होते हैं। y को भी सिंपली मैंने इस प्रकार लिख दिया कि दो मैंने कोई भी जो है वो पॉइंट के जो वो कोऑर्डिनेट लिखे हैं, इन कोऑर्डिनेट का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, अगर ठीक है, देखो एज्यूम करो जैसे मान लिया अगर मैं x क्रॉस अगर y करता हूं तो क्या होगा, एग्जैक्टली उसको एग्जैक्टली हम लोग मैट्रिक्स मेथड में लिखते हैं, ठीक है। देखो i यहां भी है, i यहां पर भी है, इसका मतलब यहां पे क्या लिखता हूं, i लिखता हूं। j यहां भी है, j यहां भी है, जो सेकंड कंपोनेंट में है j एग्जैक्टली मैं यहां पे लिखता हूं। k यहां भी है, k यहां भी है, मैं एग्जैक्टली इसको k लिखता हूं, ठीक है, और ये एग्जैक्टली इस प्रकार इसको मैट्रिक्स बन कर देता हूं। पहला कोऑर्डिनेट क्या आपका x1 है आपका, ये इज x1, सेकंड क्या आपका x2, थर्ड क्या आपका x3, फिर y का क्या है, फर्स्ट क्या आपका y1, आपका y2 और आपका y3। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि एग्जैक्टली इन दोनों कोऑर्डिनेट के क्रॉस जो प्रोडक्ट होता है इसको एग्जैक्टली मैट्रिक्स मेथड में जितने हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इसी आइडेंटिटी का यूज को यहां करेंगे, इस आइडेंटिटी को देखो एग्जैक्टली कि यहां पे डेल ऑपरेटर का और ए का क्रॉस प्रोडक्ट, देखो डेल ऑपरेटर ये है आपका, ए आपका ये, इन दोनों का एग्जैक्टली क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है। तो एग्जैक्टली देखो यहां पर कि मैं यहां पर लिख देता हूं आपका डेल ऑपरेटर और क्रॉस आपका जो है वो ए ऑपरेटर, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो ई कैप जो है आपका यूनिट वेक्टर ई1, यूनिट वेक्टर इन दोनों में क्या एग्जैक्टली कॉमन है, ठीक आई की तरह, ठीक है, यहां भी आई था, यहां भी आई था, दोनों में क्या ये कॉमन है, तो एग्जैक्टली मैं क्या करता हूं यहां पर e यूनिट वेक्टर 1 लिखता हूं, ठीक है। सेकंड देखो यहां पर e यूनिट वेक्टर 2 है, यहां भी e यूनिट वेक्टर 2 है, मैंने उसको लिख किया e यूनिट वेक्टर 2 लिख दिया। और थर्ड देखो यहां पर e यूनिट एग्जैक्टली मैंने 3 लिख दिया, ठीक है, और ये एग्जैक्टली मैंने इसको यहां पर फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली फर्स्ट यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि ये वाला होगा कोऑर्डिनेट जिस पर ये x1 था, इस प्रकार यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा 1 आपका h1 डेल अपॉन डेल्टा यूवन, क्लियर हुआ। सेकंड देखो एग्जैक्टली यहां पे क्या होगा आपका डेल 1 अपॉन आपका h2 और डेल अपॉन डेल्टा u2 होगा, क्लियर हुआ। और सिमिलरली यहां पे क्या होगा आपका 1 अपॉन आपका h3 और डेल अपॉन डेल्टा u3 होगा, क्लियर हो गया। और थर्ड जो आपका यहां पर देखो a1, ठीक ये क्या होगा आपका, ये आपका a1 होगा आपका, ये आपका a2 होगा आपका और ये आपका a3 होगा, क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इसके अंदर में थोड़ा सा चेंज करूंगा, वो चेंज क्या करूंगा, देखो एग्जैक्टली मैं इसको एग्जैक्टली यहां लिख देता हूं ना, मैं क्या करूंगा इस वाला जो कॉलम है इस कॉलम में h1 का गुणा करूंगा, ठीक है, और बाहर की तरफ h1 को ले लूंगा, यानी कि इस पहले कॉलम में मैं h1 से गुणा कर रहा हूं और h1 का एक भाग दे रहा हूं, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं यहां पर लिख देता हूं मैंने इस मैट्रिक्स के बाहर h1 ले लिया, ठीक है, h1 का जब मैंने गुणा किया तो मेरा मैट्रिक्स का जो पहला पार्ट है, सो यहां से लिख देता हूं ना, मेरे मैट्रिक्स का पहला पार्ट क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा e यूनिट वेक्टर, ठीक है, 1 आपका और आपका h1, ठीक है, ये क्या। और देखो यहां पे क्या आ जाएगा h1 का गुणा होते क्या होगा यहां पर, ये कैंसिल हो जाएगा
और यहां बचेगा d अपॉन डेल्टा आपका u1 बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा आपका a1 आपका और आपका h1 बचेगा, क्लियर हुआ। और सेकंड यहां पे इस कॉलम में क्या करूंगा h2 का गुणा करूंगा, ठीक है। उस स्थिति क्या होगा यहां पर आपका h2 आपका e यूनिट वेक्टर 2 और यहां हो जाएगा डेल अपॉन डेल्टा u2 आपका और यहां हो जाएगा आपका a2 आपका h2 है ना, और यहां पर आ जाएगा आपका h2। और सिंपली तीसरे में क्या करूंगा h3 का गुणा करूंगा, तो यहां जगह पर आपका h3 e यूनिट वेक्टर 3, ठीक है, और ये मैट्रिक्स बन जाएगी पूरी ना। और यहां से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा u3 और ये हो जाएगा आपका a3 और आपका h3। यानी कि मुझे फाइंड आउट क्या हुआ कि मुझे एक नई मैट्रिक्स मिल गई है इसके क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है। अब एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, देखो मेरे को ये चाहिए, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए यहां पर डेल क्रॉस डॉट प्रोडक्ट और डेल क्रॉस आपका ए, है ना, ये एग्जैक्टली मेरे को चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा, जो आपका डेल ऑपरेटर है वो एग्जैक्टली क्या है, पूरा एग्जैक्टली ये वाला है, ठीक है। इसको एग्जैक्टली मैं हूबहू यहां पर लिख दूंगा, ठीक है। यानी देखो एग्जैक्टली मैं लिखूंगा यहां पर जो है वो ये आपका e यूनिट वेक्टर 1 आपका h1 डिफरेंशिएशन विद डेल्टा u1 आपका और प्लस आपका e यूनिट वेक्टर 2 और आपका h2 और डिफरेंशिएशन विद डेल्टा u2 आपका और प्लस आपका जो है वो थर्ड आपका ये हो जाएगा e यूनिट वेक्टर 3 आपका h3 और आपका डिफरेंशिएशन डेल्टा u3, है ना। ये एग्जैक्टली फोर्स ने मैंने यहां एग्जैक्टली इस डेल ऑपरेटर को यहां से लिख लिया, और जो बीच में क्या है डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, और डेल्टा क्रॉस ए यानी कि ये वाली वैल्यू को मुझे करना है, और जो 1 अपॉन h1 h2 h3 क्या होगा एग्जैक्टली बाहर रहेगा, उसको इसे मैं यहां लिख देता हूं ना, 1 अपॉन आपका h1 आपका h2 और आपका h3, है ना। और इसको मैं करूंगा मैट्रिक्स मेथड को एग्जैक्टली मैं सॉल्व आउट करूंगा, तो देखो एग्जैक्टली फर्स्ट यहां मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखो ये वाला फर्स्ट है ना, ठीक है, इसको मैं एग्जैक्टली मतलब क्वेश्चन लिख देता हूं, ये हुआ देखो e यूनिट वेक्टर 1 और आपका h1 और इससे क्या होगा ये सॉल्व होगा, ठीक है। यानी कि ये क्या कहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ ए किसका आपका a3 है ना और h3 और विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन द u2 और माइनस, ठीक है, माइनस और इसका इसके साथ डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए a2, ठीक है, h2 है ना विद रिस्पेक्ट टू आपका डिफरेंशिएशन ऑफ ए आपका u3, है ना। ये एग्जैक्टली क्या होगा आपका पहला बनेगा, ठीक है। इसके कारण सेकंड देखो इसके कारण क्या बनेगा, जैसे देखो यहां पर वो बनेगा प्लस आपका और सेकंड बनेगा देखो यहां से ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा और ये वाला डिफरेंशिएशन किससे होगा इसके साथ होगा, ठीक है। यानी कि यहां पर हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ a3, ठीक है, और आपका h3 विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ u1 माइनस, ठीक है, और इसका इसके साथ है ना, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ a, ठीक है, और u3 है ना और विद रिस्पेक्ट टू इसका a1 और h1 के साथ, है ना, a1 और h1 के साथ, ठीक है। और देखो एग्जैक्टली देखो ये होता है i, ये होता है j कंपोनेंट, ये होता है k कंपोनेंट, तो j कंपोनेंट में क्या होता है एग्जैक्टली माइनस को होता है, तो एग्जैक्टली यहां पे क्या आएगा आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है, और यहां से एग्जैक्टली ये पूरा हो गया, ठीक है। और प्लस आपका थर्ड कंपोनेंट क्या होगा एग्जैक्टली इसको दोबारा लिखा होगा इसका डिफरेंस इसके साथ इसका इसके साथ, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहां क्या होगा एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन ऑफ a1 और आपका जो है वो h1, है ना, a1 और आपका h1, ठीक है, और सॉरी a2 और h2 ना, सॉरी इसको दबाया तो a2 और h2 होगा ना, डिफरेंशिएशन ऑफ a2 और आपका h2, है ना, विद रिस्पेक्ट टू किस तरह से होगा ये डेल्टा u1 के साथ, ठीक है ना, माइनस आपका और इसका एग्जैक्टली इसके साथ, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ u2, है ना, और विद रिस्पेक्ट टू आपका जो है वो a1 और h1 के साथ, ठीक है, a1 और h1 के साथ, है ना, और ये एग्जैक्टली पूरा हो गया। यानी कि ये एग्जैक्टली शो क्या करता है कि मैंने इस पूरे मैट्रिक्स को खोल ओपन कर दिया और यहां मैंने इस पूरे को डॉट प्रोडक्ट में लिख दिया।
अब जब एजीटी डोप प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो एजीटी में पता होता है कि e1 यूनिट वेक्टर डॉट e1 यूनिट वेक्टर जो होगा वो एग्जैक्टली 1 के बराबर होता है और बाकी e1 डॉट जो यूनिट वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट e1 के अलावा किसी के साथ भी होगा अगर तो क्या होगा 0 के बराबर होगा। ठीक है, सिंपल से उसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला देखो एग्जैक्टली यहां से आपका डेल डॉट आपका डेल ना क्रॉस आपका ए। ठीक है, इन वेक्टर फील्ड। ठीक है ना, यहां पे एग्जैक्टली वेक्टर लगा लेना। देखो यहां से आपका 1 अपॉन आपका h1 आपका h2 आपका h3 ऐसा ऐसा रहेगा आपका। और देखो फर्स्ट जब ये जब इसके अंदर एंटर होगा तो e1 का और e1 का डॉट प्रोडक्ट होगा वो एग्जैक्टली वो 1 होगा तो एग्जैक्टली यहां से h1 होगा और यहां से h1 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और यहां से किस होगा इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो यहां पे क्या होगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ ए। ठीक है, किसका a3 और h3 का है ना, a3 आपका और आपका h3 का डबल विद रिस्पेक्ट किसके होगा आपका होगा डेल्टा u1 और डेल्टा u2 है ना, डेल्टा u1 और डेल्टा u2 है ना माइनस फिर अगेन यहां पे डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा देखिए डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन ऑफ ए। ठीक है, आपका a2 आपका और आपका h2 है ना और विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा u1 और डेल्टा u3 डेल्टा u1 और डेल्टा u3 हो क्लियर हो है ना, ये हो जाएगा एग्जैक्टली फर्स्ट वाला। ठीक है, और प्लस ये जब डिफरेंशिएशन सॉरी ये जब डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ आपका इसके साथ। ठीक है, सॉरी यहां पर एग्जैक्टली मैंने h2 e2 लगाना भूल गया। देखो ना यहां पर जो प्रोडक्ट होगा वो किसका होगा सॉरी मैं लिख देता हूं है ना, यहां पर प्रोडक्ट होगा यूनिट वेक्टर e2 है ना और आपका h2 का। क्लियर, यहां पे डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये एग्जैक्टली यहां पर क्या होगा यहां पर होगा प्रोडक्ट होगा आपका जो है वो h3 का और e यूनिट वेक्टर 3 का है ना। ठीक, इस प्रकार जैसे ये लिखा है वैसे यहां पर ये लिखा जाएगा यहां पर ये लिखा जाएगा। ठीक है, सेकंड देखो इसका जब डॉट प्रोडक्ट होगा इसके साथ ठीक है तो क्या होगा ये h2 से h2 कैंसिल हो जाएगा और e यूनिट वेक्टर जो 2 है आपका और डॉट प्रोडक्ट 2 के साथ दोनों का सेम है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या होगा देखो एग्जैक्टली इसका साथ जब यहां पर एंटर होगा तो क्या होगा डबल डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, मैं एग्जैक्टली यहां लिखता हूं देखो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ ए किसका आपका a3 ठीक है और आपका h3 विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ होगा आपका डेल्टा u1 है आपका वहां से क्या एग्जैक्टली आपका डेल्टा यू टू आ रहा है। ठीक है ना, और ये सिंपल किसका है माइनस का है तो एग्जैक्टली यहां पे क्या आ जाएगा आपके एग्जैक्टली यहां पर आ जाएगा आपका एग्जैक्टली माइनस आ जाएगा। ठीक है, और ये देखो यहां पर माइनस और इसको नीचे लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर है ना वो क्या होगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ ए डबल डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वो u3 है आपका और आपका यहां से u2 हो जाएगा। ठीक है, और किसका हो रहा है एग्जैक्टली a1 और h1 का है ना, a1 और आपका h1 का है ना, और ये हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका अगेन प्लस हो जाएगा आपका और देखो e3 का डॉट प्रोडक्ट e3 के साथ होता है वो एग्जैक्टली 1 हो जाएगा और ये यहाँ पर एग्जैक्टली डबल डिफरेंशिएशन अगेन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ ए आपका किसका e2 का ठीक है और आपका h2 का विद रिस्पेक्ट टू किसके होगा डिफरेंशिएशन डेल्टा u1 है और डिफरेंशिएशन डेल्टा u3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपका सॉरी माइनस होगा यहाँ पर ना माइनस यहां से और अगेन ये डिफरेंशिएशन डबल हो जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ किसका होगा ये होगा a1 का h1 का विद रिस्पेक्ट टू होगा इसका डेल्टा u2 है और डेल्टा u3 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये एग्जैक्टली जो है यहां एक बड़ा क्वेश्चन बड़ा लगा देता हूं ना ये एग्जैक्टली फाइंड आउट करने की ये एग्जैक्टली हमें जो है वो फाइनल आउटकम फाइंड आउट होगा इसके डॉट प्रोडक्ट से। और देखो एग्जैक्टली इसको एग्जैक्टली हम अगर ओपन करें हम अगर एग्जैक्टली तो हमें क्या फाइंड आउट होगा ये एग्जैक्टली कॉमन है। यहां पे देखो कि ये वाला जो पोर्शन है a3 और h3 वाला जो पोर्शन है आपका ठीक है वो डबल u1 u2 के साथ हो रहा है ये देखो एग्जैक्टली ये ठीक वैसा ही है ठीक है जैसा कि एग्जैक्टली ये वाला है दिख रहा है आपको है ना a3 h3 दिख रहा है आपको और ये किसके अंदर है ये नेगेटिव के अंदर है तो ये इसी का एग्जैक्टली आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखो एग्जैक्टली आपका डेल्टा u1 डेल्टा u3 है ना डेल्टा u1 डेल्टा u3 ये माइनस में है ठीक है ये वाला और ये किस में एग्जैक्टली प्लस में है तो ये वाला जो पोर्शन है ना वो एग्जैक्टली इस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखो एग्जैक्टली ये कैंसिल हो गया आपका ये देखो
ये a1 h1 का डिफरेंशियल किस में है आपका डेल्टा u3 डेल्टा u2 के साथ डेल्टा u2 डेल्टा u3। जब ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस होने से क्या प्लस हो जाएगा। ये किसका है प्लस का, ये इधर किसका है माइनस का है। तो देखो तो ये वाला पोर्शन जो है वो इस वाले पोर्शन से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इसका फाइनल जो आपको मिलेगा मिलेगा जी जीरो मिलेगा, ठीक है। और एजेंट को यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। देखो एग्जैक्टली यहाँ पे बोर्ड में आपको क्लियर ना हो तो एक बार आप इसको एग्जैक्टली कॉपी में प्रैक्टिस करके जरूर देखना और इनको एग्जैक्टली आप अरेंज कर लेना, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली यहाँ तक हमारा टास्क पूरा हो गया। कौन सा काम पूरा हुआ हमारा, ये वाला कार्य पूरा हो गया कि जीरो कैसे होता है। अब देखो एग्जैक्टली हमें इसका लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर भी क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है, किस किस का क्रॉस प्रोडक्ट है एग्जैक्टली आपका डेल ऑपरेटर का और डेल के साथ में कोई स्केलर फाई लगा हुआ है। तो यानी कि देखो कि डेल के साथ अगर कोई फाई लगता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर फाई लगा देता अगर, ठीक है, तो क्या होता इस पूरे सिस्टम में क्या होता है एग्जैक्टली आपका फाई हो लग जाता, ये पूरा बन जाएगा ठीक इस प्रकार, है ना। और दोनों में क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि आपको इस प्रकार की मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो मैट्रिक्स क्या होगी ठीक इस प्रकार की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो देखो यानी मैं लिख देता हूँ कि ये जो होगा ना आपका डेल ऑपरेटर क्रॉस आपका जो है वो डेल आपका फाई होगा उसके लिए, ठीक है। डेल फाई एग्जैक्टली आपका ये होगा, ठीक है। और इसके लिए जो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जो मैट्रिक्स बनेगी जिस मेथड से हमने यहाँ मैट्रिक्स बनाई थी वो मैट्रिक्स में डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। 1 आपका H1, 1 H2 और आपका H3 और एग्जैक्टली ठीक इस प्रकार है ना, वो मैट्रिक्स ठीक इस प्रकार होगी। देखो यहाँ पर E कैप 1 आपका H1 और यहाँ होगा आपका E कैप 2 और आपका H2 और यहाँ होगा E कैप 3 और आपका H3, है ना। और यहाँ पर देखो होगा आपका ठीक इस प्रकार आपका डेल्टा U1 होगा और डी और डेल्टा U2 होगा और यहाँ पर डेल और डेल्टा U3 होगा, है ना। और लास्ट लाइन को एग्जैक्टली यहाँ पर क्या था A1 H1 क्यों था, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट एक एक का था, ठीक है। यहाँ किसका है डेल्टा फाई का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो वो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U1, है ना। यानी कि जो आपका फाई स्केलर फील्ड है इसका डिफरेंशियल कितना होगा प्रत्येक कंपोनेंट के साथ होगा, ठीक है। यानी कि ये एग्जैक्टली हमारी मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। और एग्जैक्टली हमारा टास्क क्या रहेगा, हम इसी मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे ठीक इस प्रकार, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं। यहां देखो एग्जैक्टली फर्स्ट में शुरू करता हूं इसको यहां से। देखो एग्जैक्टली यहां पे क्या होगा आपका डेल आपका क्रॉस आपका जो है डेल फाई आपका इज इक्वल टू 1 अपॉन आपका H1 H2 और आपका H3, है ना, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली फर्स्ट ये लो आपका, ठीक है, यानी कि ये होगा E कैप यूनिट वेक्टर H1, है ना। और इसमें क्या होगा इसका डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो एक से क्या होगा इसका डबल डिफरेंशिएशन, है ना, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू किसका होगा डेल्टा आपका U2 और डेल्टा आपका U3 होगा, है ना, फिर माइनस फिर इन दोनों का होगा, ठीक है। यानी वो भी क्या होगा डबल डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, इसका फाई का किसके साथ डेल्टा U2 के साथ और डेल्टा U3 के साथ, है ना। और देखो एग्जैक्टली आप देखो कि ये दोनों डिफरेंशिएशन सेम है, देखो U2 U3 U3 सेम डेल्टा U2 डेल्टा U3 और फाई का, यानी ये पोर्शन क्या होगा जीरो के बराबर होगा, ठीक है। सेकंड देखो एग्जैक्टली सेकंड आपका क्या होगा माइनस होगा आपका जे कंपोनेंट है। यहां एग्जैक्टली क्या होगा देखो आपका E यूनिट वेक्टर 2 आपका H2 और आपका यहां से देखो ना इसको जब छुपाओगे क्या होगा इसका इसके साथ वो भी क्या होगा एग्जैक्टली आपका डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फाई और विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा U1 डेल्टा U3 माइनस, है ना, और इसका इसके साथ होगा, ठीक है। यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा U1 और डेल्टा U3, ठीक है। देखो यहां भी देखो एग्जैक्टली हमने जो फाइंड आउट किया है ना वहां देखो डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है फाई का डबल हो रहा है U1 U3 के साथ, यहां भी U1 U3 ये भी किसके बराबर होगा एग्जैक्टली आपका जीरो के बराबर होगा। और लास्ट में फाइनल करके बस ये एग्जैक्टली आपका ये वाला, ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूं, ठीक है, प्लस आपका और जो है यूनिट वेक्टर 3 और आपका H3, है ना। अब देखो यहां से कुछ बहुत क्या होगा एग्जैक्टली आपका वो ये जो होगा एग्जैक्टली इसका इसके साथ, है ना, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ जो है वो फाई होगा विथ रेस्पेक्ट टू किसके होगा डेल्टा U1 के, है ना, और डेल्टा U3 के, सॉरी U2 के, है ना, और माइनस ये माइनस करूंगा और ये इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा U2 और डिफरेंट डेल्टा
यू वर, ठीक है, और अगर क्या फाइनल वर्ग हो गए, ये भी दोनों क्या एग्जैक्टली सेम है, तो इसका मतलब कंडीशन क्या हुई, ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तुम बड़ा क्वेश्चन लगा दूंगा, ठीक है। इससे हमें क्या फाइंड आउट हुआ कि इसका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या आ रहा है, वो एग्जैक्टली जीरो के बराबर आ रहा है, ठीक है, और एग्जैक्टली यही देखो हमारी कंडीशन हमें प्रूव करनी थी। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों है ना, इन दोनों को हमने कई लेक्चर्स के अंदर हमने एग्जैक्टली यूज किया है और हमने इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी के तौर पर हमने उसको पुट किया है कि वो एग्जैक्टली जीरो के बराबर हमें मानना है। और आज के इस लेक्चर में हमने कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एग्जैक्टली हमने उसको प्रूव किया कि एग्जैक्टली जीरो के बराबर होते हैं। थैंक यू।